मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। ऐसी पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर वो सीटें जहां बीजेपी लगातार 2 या 3 बार से ये चुनाव हार रही है। बीजेपी की पहली सूची में 2018 के चुनाव में हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दिया है। इनमें 4 पूर्व मंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश दुर्वे और नाना भाऊ मोहोड़ भी शामिल हैं। वहीं 12 नए चेहरों को उतारा गया। 6 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने 2013 का चुनाव लड़ा लेकिन 2018 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से पूर्व महापौर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया। इंदौर के राव में मधु वर्मा को फिर से मैदान में उतारा गया। जबलपुर पूर्व से अचल सोनकर पर पार्टी ने भरोसा जताया। भिंड के गोहद से पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया। सीट से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रणवीर जाटव का टिकट काटा गया जबकि पिछोर सीट से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा गया। छतरपुर से पूर्व मंत्री ललिता यादव मौका दिया गया। सुमावली से सिंधिया समर्थक इंदल सिंह कसाना को टिकट मिला है। पेटलावत से निर्मला भूरिया को उतारा गया। राव मधु वर्मा कसरावद, आत्माराम पटेल गोहद, लाल सिंह आर छतरपुर, ललिता यादव पथरिया, लखन पटेल गुन्नौर, राजेश वर्मा चित्रकूट, सुरेंद्र सिंह गहरवार शाहपुरा, ओम प्रकाश धुर्वे सौंसर, नाना भाऊ होड़ भैंस देही, महेंद्र सिंह चौहान महेश्वर, राजकुमार मेव पेटलावाद, निर्मला भूरिया झाबुआ, भानु भूरिया अली राजपुर, नागर सिंह चौहान सुबह इस्तीफा दिन में टिकट, शाम को बीजेपी की सदस्यता। मंडल की बिछिया सीट से बीजेपी ने डॉक्टर विजय आनंद मरावी को प्रत्याशी बनाया। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले डॉक्टर विजय आनंद मरावी राजनीति में एक नया चेहरा है। वो विद्या भारती महाकौशल प्रांत के सचिव भी हैं। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद डॉक्टर विजय आनंद मरावी अपने समर्थकों के साथ जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। क्या उन्होंने भाजपा जिलाध्यक्ष से मुलाकात की और 50 से अधिक समर्थकों सहित भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।